नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। 31 मार्च 2021 की खबरों के साथ ये है स्वदेशवाणी। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीड्स इंफ्रा, सबका सपना रांची में घर हो अपना। आइए डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। म्यांमार के साथ यूएस ने बंद किया कारोबार। अमेरिका ने कहा, लोकतंत्र बहाली तक म्यांमार से नहीं करेंगे व्यापार। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत 12 देश भी उतरे विरोध में। कोरोना वैक्सीन पर अमेरिका में स्टडी। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन पहले डोज के बाद 80% असरदार, दूसरे डोज के बाद संक्रमण का रिस्क 90% कम। अमेरिका में हिंदी की धूम। यूएस नेवी अफसर ने गाया स्वदेश फिल्म का गाना, ये जो देश है तेरा। भारतीय राजदूत ने कहा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। आइए अब चलते हैं कुछ राष्ट्र खबरों की ओर। भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने ओसीआई कार्ड धारकों के लिए पुराना पासपोर्ट साथ रखने की अनिवार्यता की खत्म। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस पर हमला। लॉकडाउन में धार्मिक जुलूस निकालने से रोका। गुरुद्वारे से निकली भीड़ ने पुलिस वालों को डंडों से पीटा, 4 घायल। मामले में एफआईआर दर्ज कर की जा रही है जांच। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार हुई तेज। मुंबई में निजी अस्पतालों में 80% बेड कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व। वार्ड वॉर रूम की मंजूरी से मरीज होंगे भर्ती। आइए अब चलते हैं अपने झारखंड की खबरों की ओर। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन। बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ने भरा पर्चा। धनबाद के स्टील गेट सब्जी मंडी में आग लगी, 40 दुकानें जलकर खाक। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह गैस सिलेंडर का फटना माना जा रहा है। अब कुछ खबरें खेल जगत की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर भड़के टीम के पूर्व कप्तान, बोले मुझे बेहतर रिटायरमेंट नहीं मिला। श्रीलंकाई टीम के ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने अपने देश के लिए इतिहास रच दिया। 1 ओवर में ठोके 6 छक्के, महज 13 गेंदों में पूरा किया अर्धशतक। मोहम्मद शमी ने किया दावा, कहा पंजाब किंग्स को अब डेथ गेंदबाजी के विभाग में कोई दिक्कत नहीं है। शमी आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले हैं, जिसकी डेथ गेंदबाजी चिंता का कारण रही है। ये थी अब तक की खबरें। इसके अलावा अन्य खबरों की जानकारी के लिए आए हमारी वेबसाइट swadeshwani.com पर या हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। स्वदेश वाणी।